बात करेंगे वर्ल्ड कप हॉकी की, तो भारत का एक महत्वपूर्ण मैच वेल्स के साथ हो रहा था और भारत ने उस मैच में रोमांचक जीत हासिल की है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, हॉकी के इस मैच को लेकर क्या कहेंगे? उदय, जो आज का मैच हुआ वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर भारत बड़ी जीत दर्ज करता तो उसे सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिल जाती। इंग्लैंड और स्पेन का मैच भारत के पहले होता है और उसमें जो है वो इंग्लैंड की टीम जो है वो एक बड़ी जीत दर्ज कर लेती है और 4-0 से उसने स्पेन को हराया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर भारत को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में जाना था तो भारत को 8 गोल करने थे और एक भी गोल खाना नहीं था। और इस बात का जो दबाव है ना, वो इस मैच में भारतीय टीम पर दिखा। जब आप अपने ऊपर खुद दबाव ओढ़ लेते हैं तो इसका असर आपके खेल पर पड़ता है। भारतीय टीम जो है गोल करने की एक हड़बड़ाहट उसके अंदर दिखी और इस हड़बड़ाहट में उन्होंने कई जो है गड़बड़ियां की। वो सर्कल के अंदर पहुंच जा रहे थे, गोल मुख तक पहुंच जा रहे थे और लेकिन गोल करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। पहला क्वार्टर जो गुजरा उसकी अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि भारतीय टीम गोल करना चाहती थी तो पहले ही मिनट से उसने आक्रमण की झड़ी लगा दी। पहले मिनट में किया, तीसरे मिनट में किया, लगातार करीब 4-5 मौके बने लेकिन गोल जो तब्दील हो जाना चाहिए था वो नहीं हो सका। और यहाँ पर तारीफ जो है वो वेल्स के डिफेंस की भी करनी पड़ेगी कि उन्होंने भारत को कोई पेनल्टी कॉर्नर भी अर्न नहीं करने दिया पहले क्वार्टर में। लेकिन जैसे ही दूसरा क्वार्टर शुरू होता है भारत ने पहला पेनल्टी कॉर्नर अर्न किया, लेकिन हरमनप्रीत जो कि इस विश्व कप में अब तक जो है पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करने में बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे हैं, एक बार फिर से वो कमजोर फ्लिक लगाते हैं और गोल नहीं हो पाता। लेकिन चलिए फिर जब बात आगे बढ़ती है, 20 मिनट तक तो भारतीय टीम कोई गोल कर ही नहीं पाती, बल्कि 20 से ज्यादा मिनट तक। लेकिन फिर जब 23वें मिनट में एक मौका मिलता है, फिर से पेनल्टी कॉर्नर वहां पर मिलता है, हरमनप्रीत शॉट लगाते हैं लेकिन वो गोल नहीं होता, रिबाउंड होकर आता है। शमशेर वहां इंतजार कर रहे थे, वो सर्कल के बाहर गेंद को लेते हैं और पलक झपकते सर्कल के अंदर जाते हैं और क्या गोल दागा उन्होंने। और वही इस मैच में भारत का पहला गोल था। वो पहला गोल करने के बाद भारतीय टीम जो है इसी से जो सेकेंड क्वार्टर जो खत्म हुआ वो 1-0 पर। जो तीसरा क्वार्टर था उदय, वो बहुत हैपनिंग था। अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भारतीय टीम ने पहले एक गोल किया, आकाशदीप ने वो गोल दागा और जैसे ही मौका मिला आकाशदीप ने गोल दाग दिया, भारत 2-0 की बढ़त पर आ गया था और लग रहा था कि भारतीय टीम जो है अब दबाव बना रही है वेल्स की टीम पर। लेकिन तभी जो तीसरे क्वार्टर के आखिरी 2-3 मिनट थे वहां पर सडनली जो है वेल्स की टीम हमलावर होती है, 2 पेनल्टी कॉर्नर अर्न करती है और 2-2 कन्वर्ट कर देती है, मतलब स्कोर हो जाता है 2-2 और इसी स्कोर पर तीसरा क्वार्टर जो है वो खत्म होता है। और लगने लगा था कि ये क्या हो रहा है, लगता है कुछ उलटफेर हो जाएगा क्या, लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही चौथा क्वार्टर शुरू हुआ एक बार फिर से आकाशदीप ने गोल दागा और भारत को 3-2 की बढ़त दिला दी। इसके बाद भी भारत ने कुछ प्रयास किए और जब खेल का आखिरी मिनट चल रहा था तो भारत को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला था और उस वक्त जो है वेल्स की टीम ने अपने गोलकीपर को विड्रॉ कर लिया था, हटा लिया था। तो चूंकि पेनल्टी कॉर्नर उसी सिचुएशन में मिला था तो वो कोई गोलकीपर डाल नहीं सकता था गोल पोस्ट के अंदर, तो उस समय पेनल्टी कॉर्नर मिलता है और थैंक्स गॉड जो हरमनप्रीत है उनसे जो है वो पहला गोल जो है वो मिल जाता है पेनल्टी कॉर्नर से और ये डायरेक्ट हिट से मिलता है। अगर इस मैच की हम बात करें उदय, तो ये मौके गंवाने वाली बात है। भारत को 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले जिसमें 2 कन्वर्ट हुए, 1 रिबाउंड पर और 1 डायरेक्ट जो आखिरी मिनट में हुआ। वहीं वेल्स की टीम को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन उसने 2 कन्वर्ट कर दिया। तो भारतीय टीम को देखिए अब क्रॉसओवर मैच खेलना पड़ेगा क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए। इस ग्रुप से जो है वो इंग्लैंड की टीम डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। भारत को इस ग्रुप में ग्रुप डी में दूसरा स्थान मिला है, तो अब उसे क्रॉसओवर मैच खेलना पड़ेगा जो ग्रुप सी की तीसरे नंबर की टीम होगी, उससे भारत का जो है वो मुकाबला होगा। संभवतः न्यूजीलैंड से वो मैच भारत की टीम खेलेगी, तो अब वो क्रॉसओवर मैच में जीतने के बाद ही भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। तो अब थोड़ा क्वार्टर फाइनल के लिए इंतजार बढ़ गया, लेकिन चलिए ये संतोष की बात है कि भारत ने अंत जीत के साथ की है
और एक जीत दर्ज की। भले ही वेल्स अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन उसने आज बेहतरीन खेल दिखाया और जो भारत की अब तक क्लीन शीट थी कि उसने एक भी गोल नहीं खाया था, न स्पेन के खिलाफ न इंग्लैंड के खिलाफ, उसे वेल्स जैसी कमजोर टीम के खिलाफ दो गोल खाने पड़े। और यही दबाव होता है और यही हॉकी का दबाव है, और आप उस दबाव में जो है बिखरते हैं। वही हुआ इंडियन डिफेंस के साथ भी, दो गोल खा गए। लेकिन चलिए, एक संतोष की बात है कि भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है और भारत की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। और आपको एक अच्छी बात बता दूं कि दर्शक इससे पहले कि निराश हो जाएं कि भारत को क्रॉसओवर मैच खेलना है, जब 2018 का वर्ल्ड कप हुआ था तो बेल्जियम की टीम को भी क्रॉसओवर मैच खेलना पड़ा था और उस क्रॉसओवर मैच में उसने भारत को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जो है वो जगह बनाई थी और फिर जो है वो चैंपियन बना था। तो इसलिए भारत को निराश होने की जरूरत नहीं है, जो उसके साथ हुआ है वो दूसरे के साथ भी कर सकता है। तो अभी भी भारतीय टीम विश्व कप जीतने की रेस में पूरी तरह से बना हुआ है। बिल्कुल राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई है, भारत अगर अपने क्रॉसओवर मैच में जीत हासिल करता है तो आगे के सफर पर भारत बना रहेगा, वर्ल्ड कप की होड़ में भारत बना रहेगा।